तो ये है पैकेजिंग सिलिकॉन ग्लव्स की। यहाँ पे मैंने मंगाए हैं सिलिकॉन ग्लव्स। अब मैं यहाँ पे इसको करने जा रही हूँ ओपन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एक अमेज़न परचेजिंग है मेरी, क्योंकि अमेज़न की डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और रिटर्न भी वो इजीली कर लेते हैं। कलर का इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होता, आपको कोई भी कलर वो रेंडमली भेजा जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे आया है पर्पल लाइट कलर, और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, तो आपको अपने अंदर की जो स्किन है वो भी इसमें दिखाई दे सकती है। बट ये सिलिकॉन प्रोडक्ट है, तो इसलिए सिलिकॉन के जो प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेफ माने जाते हैं, और ये होते हैं हीट रेजिस्टेंट। तो ये देखिए, ये जो है ये मीडियम साइज़ में है। ये एक नया पेयर आपको दिख रहा होगा, और इसके बीच में जो है क्लीन करने के लिए इस तरह से बने हुए हैं ये। तो अगर इनको थोड़ा सा खींचे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, जिससे कि आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है और फिर से अपनी पोजीशन ले लेता है। अंदर की तरफ इसमें छोटे छोटे से दाने हैं, जिससे कि आई थिंक ग्रिप बनी रहती है। यहाँ पे देखिए ये होल है, जिससे कि आप आराम से इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, और ये जो होल है इजीली ये हैंग हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अभी देखिए, और ये अलग अलग हाथों के लिए अलग अलग हैं। तो अभी देखिए, ये आई थिंक जो भी साइज़ है, बट इसमें मेरी फिंगर टिप आपको दिख रही होंगी, क्योंकि इसमें हल्का थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। और ये है इसका पीछे का, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये। अंदर से देखिए, इसमें छोटे छोटे से दाने हैं, ग्रिपिंग के लिए दिए गए हैं, ताकि ये आपके हाथ से बर्तन धोते टाइम या कोई भी जो भी आप चीज़ वॉश कर रहे हैं ये स्लिप ना हो, और इजीली ये हाथों के अंदर चला जाता है। आप इससे कुछ भी वॉश कर सकते हैं, आई थिंक टाइल्स या बाथरूम, अपनी कार, यूटेंसिल्स, वेजिटेबल्स, एनीथिंग, हर चीज़ इससे वॉश की जा सकती है। और आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंसी कितनी है इसकी अंदर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मेरे नेल्स हैं उनकी शेप यहाँ पे नज़र आ रही है, बट इसकी ग्रिपिंग का। खराब हो चुका है ये, मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसे रखा था, तो आपको देख रहा होगा इस तरह से ये खराब हो गया, क्योंकि आई थिंक ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल है, इसकी वजह से ये खराब हो गया है। और ये है सिलिकॉन के, तो सिलिकॉन के प्रोडक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं, और हीट प्रोटेक्ट मतलब हीट से भी प्रोटेक्ट करेंगे, कोल्ड से भी। तो आप ठंडी गर्मी कभी भी, और डिटर्जेंट जो भी उससे जैसे हार्श होते हैं, जैसे हाथ एकदम रफ हो जाते हैं, तो उससे भी प्रोटेक्ट करेंगे। इससे आप कार वॉश कर सकते हैं, यूटेंसिल वॉश कर सकते हैं, वेजिटेबल वॉश कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें और भी आप इसके साथ वॉश कर सकते हैं। वैसे इससे भी वॉश कर सकते हैं, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा चलते नहीं हैं ये, एक्चुअली एक हफ्ते के बाद ये फटना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपके जो हाथों के अंदर पानी जाना स्टार्ट हो जाता है, जो भी आप डिटर्जेंट या लिक्विड सोप जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो फाइनली मैंने ये मंगवाए हैं, और इसमें हैंग के लिए भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो इजी होल हो जाता है। आप जहाँ पे टक करेंगे इसको, यहाँ पे ये इजीली टक हो जाएगा। इसमें एक्चुअली होल हो गया है, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो यही सिलिकॉन प्रोडक्ट की जो होती है खासियत होती है। और कलर इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप चूज़ कर सकते हैं रेंडम कलर, कोई भी कलर आ जाता है। जैसे मेरे पास आया है लाइट पर्पल, तो दिख रहा होगा आगे से इस तरीके का है। साइज़ ये है, साइज़ आई थिंक इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा, ये लंबा होता है, और ये थोड़ा सा छोटा है, बट इतना छोटा नहीं है कि आपके ऊपर तक चला जाए पानी, उतना है कि जिससे आप इजीली हर चीज़ को वॉश कर सकते हैं। बट आप जो भी और बर्तन जैसे कुकर वगैरह कढ़ाई, तो इससे वॉश नहीं होगी वो, उसके लिए आपको स्क्रबर यूज़ करना पड़ेगा। बट आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है अगर लंबे टाइम तक चले तो।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ वेजिटेबल। नॉर्मली जब हम हाथों से वॉश करते हैं वेजिटेबल तो इतने अच्छा क्लीन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो इसके सिलिकॉन के आगे से ये हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा स्क्रब के जैसे बहुत अच्छे से आपकी जो वेजिटेबल्स होती हैं और उसकी जो गंदगी होती है काफ़ी अच्छे से वॉश हो जाती है और आपके हाथ जो हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से और ये जितने भी गंदगी होती है वेजिटेबल्स की आराम से वॉश इसमें हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने वेजिटेबल्स भी इस सिलिकॉन ग्लव्स की हेल्प से वॉश कर सकते हैं। गर्मी में, ठंडी में या कैसा भी टेम्परेचर हो, और इसका जो आई थिंक टेम्परेचर है 10% आई थिंक फील होता है, ऐसा नहीं कि फील नहीं होता अगर आप ठंडे पानी से या गर्म पानी से धोते हैं, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो नहीं होता है। बट आपको फील ज़रूर होगा, जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ा बहुत इसका इफ़ेक्ट दिखता है। बट ये आपके हाथों में अंदर पानी जाने से रोकता है, और जो भी आप डिश वॉशर या डिश डिटर्जेंट जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उससे हाथ जो रफ़ हो जाते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इस तरह से आप अपने सारे वेजिटेबल्स वॉश कर सकते हैं, और इससे आप अपना सिंक या जो टाइल्स वगैरह होते हैं वो भी इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बर्तन धोने के लिए आपको थोड़ा सा, अगर आई थिंक आप डिश वॉशर जो सॉरी जो ये होते हैं लिक्विड वाले वॉशर, इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ये अच्छे से काम करेगा बजाय जो सॉलिड फॉर्म में आते हैं। और मुझे इसको यूज़ करते टाइम एक और चीज़ लगी कि अगर आप जो भी स्पंज अपना यूज़ करते हैं तो जो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वॉश करता है बर्तनों को, और उसमें एक ग्रिप भी बनी रहती है, क्योंकि जो ये सिलिकॉन के ग्लव्स हैं ये इतना अच्छा नहीं साफ़ कर पाते उस टाइम पे। बट आई थिंक सिंक या जो टाइल्स हैं उसके लिए बेस्ट है। अभी देखिए, अभी मैं इस सिंपली इसी से साफ़ कर रही हूँ और बहुत आसानी से ये साफ़ हो जा रहा है। और आपको इसको बचाना है नुकीली या तीखी चीज़ों से, क्योंकि अगर ये कट जाएगा तो फिर ये किसी भी काम का नहीं है। फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू सिलिकॉन ग्लव्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा ही पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। तब मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।